तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित बहुत ही मजेदार कहानी है दो बैलों की कथा, जिसका शीर्षक क्या है, दो बैलों की कथा। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने कभी जरूर पढ़े होंगे और नहीं पढ़ा है तो आज मैं आप लोग को बताता हूं। एक गांव में एक झूरी नाम का आदमी रहता था जिसके पास दो बैल रहा करता था। एक बैल का नाम हीरा था तो दूसरे बैल का नाम मोती। वो हीरा मोती भी झूरी को बहुत पसंद करते थे और झूरी उनका अच्छे से देखभाल किया करता था, अच्छे से उनको चारा पानी भी दिया करते थे। उन दोनों बैलों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। इतनी गहरी मित्रता थी कि वो सांध में एक साथ अपना मुंह डालते थे और एक साथ ही निकाला करते थे। एक दिन झूरी की पत्नी के भाई जिसका नाम गया रहता था, झूरी की पत्नी का भाई जिसका गया नाम रहता है, वो दोनों बैलों को हीरा और मोती को ले जाना चाहा। उन्होंने अब ले जाने का निश्चय कर लिया था और उनको ले जा रहे थे। हीरा और मोती बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये मुझे ले कहाँ जा रहा है। हीरा और मोती थोड़ा बहुत शरारत करते करते दाएं बाएं, हीरा कभी दाएं जाता है तो कभी मोती बाएं जाता है, इसी प्रकार उन्हें परेशान करते हुए ले जाता है और अंत में गया उसे अपने गांव ले जाता है और उसे रूखा सूखा घास खाने के लिए दे देते हैं, जो कुट्टी होते है और भी बहुत सारी चीज होती है जो बैल खाती है आपको पता होगा, तो रूखा सूखा उन्हें खाने के लिए दे देता है। हीरा और मोती उसे हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, उन्हें खाया नहीं और किसी प्रकार रस्सी तोड़कर वहां से भाग निकला और भागकर कहां चला गया, वापस झूरी के घर अपने गांव। झूरी उन दो बैलों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया था कि ये वापस आ गया, झूरी सब समझ गया। वैसे करता भी क्या, तो झूरी की पत्नी ने क्या किया कि वो उसे मन ही मन गुस्सा आने लगा कि ये मेरे भाई के घर क्यों नहीं रहा, और उन्होंने गुस्से से वही सूखे घास दे देते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बहुत खुशी पूर्वक उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया जो भी चारा था वो खाने लगता है, क्योंकि उन्हें बहुत वहां पर प्यार मिल रहा था और वही प्यार उनके भाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने खाया। अब वापस झूरी की जो पत्नी थे उसका भाई आ जाता है गया, फिर से उन दोनों को ले जाता है और जाते जाते उन्होंने सोचा, इस बार मोती ने सोचा कि इसकी गाड़ी जब जो है जैसे ये मुझे बांध कर ले जा रहा है, इसकी गाड़ी को मैं किसी गड्ढे में गिरा देता हूं। पर मोती बहुत समझदार था, वो किसी प्रकार बचा लेता है और गड्ढे में गाड़ी को नहीं गिरने देता है। वहां से अब ले जाता है और उसे हीरा और मोती को बहुत ही काम लेता है, उसे बहुत ही काम निकलवाता है, मतलब उसे हल जुतवाता है और बहुत बहुत बातों बातों पर उसे मारा भी करते हैं, जिसके कारण अब हीरा और मोती में कुछ शक्ति नहीं रह गया था। उसी घर में, गया के घर में एक छोटी बच्ची रहती थी, छोटी सी लड़की रहती थी, वो रात रात में चुपके से हीरा और मोती को रोटियां खिलाई करती थी। हीरा और मोती उसके द्वारा जो रोटियां खिलाई जा रही थी वो सब दुख भूल जाते थे और रोटी खा जाते थे। तो वो रोटी खिलाते खिलाते उस बच्ची ने देखी कि मोती जो है वो फिर से रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की ने क्या किया कि दोनों बैलों की जो रस्सियां थी वो खोल देता है और हीरा और मोती वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही गया को ये बात पता चला कि हीरा और मोती भाग गया है, उन्होंने झटपट वहां से दौड़ना चालू किया और हीरा के पीछे पीछे, हीरा और मोती के पीछे पीछे वो जाता रहा। पर अब होता भी क्या, अब बहुत देर हो चुकी थी। हीरा और मोती अब सोचा कि हम तो आजाद हैं, कि रास्ते में ही उसे एक सांड मिल गया जो कि बहुत ही गुस्सेल सांड था, उन्होंने हमला कर देता है हीरा पर। पर हीरा और मोती वहां से भागने की कोशिश नहीं किया क्योंकि वो असफल हो जाते, रास्ता नहीं था साइड में, इसलिए वो लोग दोनों भागने का निश्चय नहीं किया और दिमाग से काम लेता है, धैर्य पूर्वक काम लेता है। जैसे ही वो सांड में हीरा पर आक्रमण करता है,
मोती चुपके से पीछे जाकर उसके पीछे से वार कर देता है अपनी सिंघों से, और वो सांड वहीं पसीना पसीना हो जाते हैं और परेशान होकर वहां से भाग जाते हैं। हीरा ने उसे बहुत दूर तक दौड़ाने की कोशिश किया, परंतु मोती ने उसे रोक लेता है और उसे जाने के लिए दे देता है। वो घर जा ही रहे थे हीरा और मोती कि रास्ते में ही उसे एक मटर की खेत मिल गई। मटर की खेत मिल जाती है हीरा और मोती को, और हीरा और मोती तो दो दिन से कुछ खाए भी नहीं थे, और गया ने उससे बहुत सारे काम भी निकलवाए थे, इससे बहुत सारे थके भी थे और बहुत जोरों की भूख भी लगी थी उसे। उन्होंने चाहा कि चलो कुछ खा लिया जाए, उसके बाद फिर घर चलते हैं। उन्होंने जैसे ही खेत पर कदम रखा और खाने लगे, खाते खाते उसके पेट भी भरा नहीं था अभी कि माली ने, उस मटर की जो मालिक थे खेत की, उन्होंने देख लेता है और हीरा और मोती को एक रूम में बंद कर देते हैं। हीरा और मोती वहां देखते हैं कि उस रूम में अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे बकरी थे, भेड़ थे, सांड थे और घोड़े थे, और भी बहुत सारे वहां पर जानवर पहले से रखे हुए थे। हीरा और मोती ये बात देखकर वहां पर चौंक जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी जानवर है सभी रूखे सूखे थे और बिल्कुल उनकी हड्डियां नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर ना चारे का ठिकाना था और ना ही पानी का। मोती के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस दीवार को गिरा दिया जाए जिस रूम में उसे रखा गया था। मोती ने 4-5 बार उस दीवार पर अपना सिंघों से वार करती है, वार करते हैं तो थोड़ी बहुत दीवार पर दरारें आ जाती है और थोड़ी सी 1-2 ईंट दीवार की खिसक जाती है। उन दोनों में आत्मविश्वास आ जाता है कि इस दीवार को हम गिरा सकते हैं। उन्होंने 2-4 बार और मारी तो एक बड़ा सा द्वार जैसा मुंह बन जाता है वहां पर, तो सबसे पहले वहां से घोड़े निकल जाते हैं, उसके बाद सांड निकल जाते हैं, भेड़िए निकल जाते हैं और गधा भी वहां पर रहते हैं, तो गधे वहां से निकल नहीं रहते, तो जबरदस्ती हीरा और मोती ने गधों को भी सिंघों के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो मोती ने कहा कि क्यों ना हम भी निकले, परंतु हीरा ऐसा किया नहीं। अब सुबह होती है तो वहां के माली आते हैं जो उसे बंद करके जाते हैं उस रूम में। वहां के माली आते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ के सारे जानवर गए कहाँ। तब उस ध्यान से देखते हैं कि दीवार पर एक बड़ा सा छेद बना हुआ है, उसी छेद से सभी जानवर भाग गए हैं। परंतु ये बात जानकर वो और भी चौंक जाते हैं कि सभी जानवर तो भाग गए हैं, परंतु ये दोनों बैल क्यों नहीं भागा अभी तक। उन्होंने सोचा कि ये भी ना भाग जाए आज, इसलिए इनकी नीलामी की जाती है। अब गांव में उसकी नीलामी हो जाती है। गांव में सबसे बड़ी बोली एक व्यापारी लगाता है जो कि बहुत, उनकी बोली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी रकम थी। वो व्यापारी अब उसे ले जा रहा था, व्यापारी पीछे पीछे और हीरा और मोती उनके 2 कदम आगे आगे चल रहे थे। हीरा और मोती बिल्कुल सूख गए थे और उनके पैरों में भी अब उतनी जान नहीं रह गई थी क्योंकि वो बहुत भूखी थी। हीरा और मोती बहुत भूखे थे क्योंकि उसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था, 2-3 दिन से खाना उसे नहीं मिला था, इसलिए वो धीरे धीरे ही चल रहे थे कि अचानक हीरा और मोती को वो रास्ता जाना पहचाना लगने लगा कि अरे यार ये रास्ता तो हमारे गांव की तरफ ही जा रही है। अब उन बेजान हड्डियों में जान आ जाती है और वहां से अब झटपट भागने लगते हैं हीरा और मोती। व्यापारी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हीरा और मोती वापस कहाँ चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं अपने गांव जहां पर झूरी रहा करते हैं। झूरी उन 2 बैलों को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और उसे चारे दे देते हैं, और बहुत दिनों के बाद झूरी उनसे मिलने के बाद उन्हें बहुत प्यार करने लगता है और उनसे गले मिलकर लिपटकर बहुत ही प्यार करने लगता है और उसे सहलाने लगते हैं झूरी। झूरी की पत्नी भी थोड़ी देर बाद घर से निकलती है और देखती है कि हीरा और मोती तो वापस आ गया है, इसलिए वो भी उनसे गले लिपटकर रोने लगती है। उसी दौरान वहां वो व्यापारी वहां पर उनका पीछा पीछा करते आ जाते हैं, तो देखते हैं कि ये 2 बैल तो वही है जिसे मैंने बोली लगाकर खरीदा है।
उन्होंने उसे ले जाना चाहा, परंतु मोती को बहुत गुस्सा आया और वो उसके पीछे दौड़ाने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते वो भाग जाते हैं। उसी प्रकार फिर वहां से घूम कर आ जाते हैं हीरा और मोती और रहने लगते हैं अपने मालिक के साथ। किसके साथ? झूरी के साथ। और कहानी ही समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, भले ही उनको खाने पीने के लिए उतनी अच्छी भोजन ना मिले, लेकिन उसके प्यार ने वो बात है, इसलिए जानवरों से भी हमें प्यार करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये कहानी को और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।